क्या वाकई में आगरा की जामा मस्जिद के नीचे दबी हैं भगवान कृष्णदेव मंदिर की मूर्तियां? क्या कहता है इतिहास और किताबें? जी हाँ, इसी राज से पर्दा उठाने के लिए आगरा न्यूज 18 लोकल ने इतिहासकारों से बात की और उन्होंने इस पूरे विवाद पर उनकी राय जानी। पहले आपको पूरा विवाद समझा देते हैं। पिछले साल आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मथुरा के भगवान कृष्णदेव मंदिर के बिगड़े दबे होने का एक बात कोर्ट में दाखिल किया गया था। ये बात श्री कृष्ण जन्मभूमि संरक्षित सेवा ट्रस्ट ने दाखिल किया था। इसके बाद आगरा के अधिवक्ता अजय प्रताप और योगेश्वर श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ट्रस्ट ने 15 मार्च को जामा मस्जिद का GPR सर्वे कराने के लिए एक बात और दाखिल किया था। GPR वह तकनीक है जिसके द्वारा किसी भी स्ट्रक्चर को बिना खोदे उसके 10 मीटर गहराई तक स्कैन करके देखा जा सकता है कि अंदर क्या है। हालांकि इस केस की सुनवाई में कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की है, लेकिन इस पूरे मामले पर इतिहासकार क्या कहते हैं और किन किताबों में इस घटना का जिक्र मिलता है कि वाकई में आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान केशव देव मंदिर के विग्रह दबे हुए हैं, इस पूरी रिपोर्ट में देखिए। राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने कट्टरता का रुख अपना लिया था। वो हिंदू मंदिरों का विध्वंस करा रहा था। इसी क्रम में उसने मथुरा में केशव देव के मंदिर को तोड़वाया। तोड़वाने के पश्चात उसकी मूर्तियों को लाकर आगरा में जामा मस्जिद में, जो कि जहांगीर द्वारा निर्मित कराई गई थी, की सीढ़ियों में दफन करा दिया। इस बात का जिक्र काफ़ी पुराने समय से होता चला आया है। इसका जिक्र जो है मासीरे आलमगिरी में है, मेरी पुस्तक तवारीख आगरा में है, जगन्नाथ सरकार की पुस्तक औरंगजेब में है, चिंतामणि शुक्ल की पुस्तक मथुरा का प्राचीन इतिहास में है। अनेकों पुस्तकों में इसका जिक्र मिलता है और ये वहाँ लंबे समय से मूर्तियाँ सीढ़ियों में दफन। क्या इसमें कहा जाता है, लोग कहते हैं कि सीढ़ियों के नीचे वो विग्रह दबे हुए? ये इतिहास में सही लिखा है कि विग्रह जो है वो वहां रखे गए, लेकिन वर्तमान में जब जाकर उन सीढ़ियों को मैंने देखा तो उनमें कोई ऐसी गुंजाइश पाई नहीं कि उसमें सीढ़ियां दबी हो सकती है। क्या मनसा रही होगी सर इसके पीछे के विग्रहों को दबाया गया? मनसा तो साफ है कि उनको हिंदुओं को जलील करना और उनका मनोबल को तोड़ना, इसीलिए वो लाकर मथुरा से आगरा लाके बनना मूर्ति को मस्जिद की सीढ़ियों में दबाने का कोई औचित्य नहीं था, ताकि जो भी मुस्लिम मंदिर में जाए मस्जिद में जाए उनके पैर के तले वो रौंदी मूर्तियाँ रौंदी जाए और इससे जो है उनका मनोबल बढ़े, हिंदुओं का मनोबल घटे। क्या